नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कर जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद किसे नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तो राइट आंसर था हमारा मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जो है मोदी सरकार के जो पहले कार्यकाल है इसमें रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, और जीसी मुर्मू ने इस्तीफा ऐसे दिन दिया है जब जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा देने वाले जो संविधान का अनुच्छेद है 370 उसको निरस्त किए जाने का ठीक एक साल पूरा हो गया था। मुर्मू को जो है केंद्र में एक नया प्रभार सौंपा जा सकता है, और ये जो है गुजरात कैडर के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। मुर्मू गुजरात कैडर के मुर्मू नरेंद्र मोदी के जो है मुख्यमंत्री रहने के दौरान राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। भारतीय संसद ने पिछले जो है 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा ख़त्म करने के साथ साथ उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया था, और इसकी जो है आधिकारिक तौर पर जो है 31 अक्टूबर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो है होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है हमारे उत्कर्ष ऐप, स्नेह ऐप, मोती ऐप या सखी ऐप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सखी ऐप। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो देश के पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। तो कौन सा देश है जो युद्ध सैनिकों के स्मारक का निर्माण करेगा। ऑप्शन है हमारे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या मलेशिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश जो है ये भारतीय सैनिकों की याद में जो है एक जो स्मारक है इसका निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में समुद्री पार्क के पास वेटलैंड्स के क्षेत्र में ईंधन के रिसावन के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन है हमारे मोजाम्बिक, मॉरिशस, मालदीव या मेडागास्कर। तो सी आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, जिसमें जो समुद्री जो पार्क है इसके पास जो वेटलैंड्स क्षेत्र है वहाँ पर ईंधन का रिसाव हो गया था, जिसके कारण जो पर्यावरण आपातकालीन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये जो घोषणा है मॉरिशस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसको जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC की शुरुआत की गई है। तो ये जो है कौन से जो क्षेत्र उसको जोड़ेगी। ऑप्शन हमारे मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सी आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी और जो ग्राम उद्योग आयोग है इसके आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। तो ये जो कौन सी जगह पर ये प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ऑप्शन हमारे तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो खादी और जो ग्राम उद्योग है KVIC अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी गाँव हैं चुल्लू इसमें जो रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, रेड बुलर रेसर का नाम था जिसने हाल ही में आयोजित 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो ये जो 70वीं जो एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन है हमारे लुइस हैमलिंटन, चार्ल्स लेकलेर, अलेक्जेंडर एल्बोन या मैक्स वेरस्टैपन। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो है मैक्स वेरस्टैपन के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट है,
हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। तो ये जो है अस्पतालों को संपत्ति पर कितने प्रतिशत छूट देने की जो है घोषणा की गई है, ऑप्शन हमारे 50%, 100%, 70% या 60%। तो ये की गई है 60%, राइट आंसर है ऑप्शन डी 60%। नेक्स्ट है, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व भर में स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो हर साल ये जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा दिन है जिसे विश्व भर में स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन हमारे 2 अगस्त, 3 अगस्त, 7 अगस्त या 9 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रो रेसलर का नाम बताइए जिसने जो है कमला के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में जिनका निधन हो गया। तो इन्हें जो है कमला के नाम से जाना जाता था और उनका जो आप हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन हमारे ब्रूस फ्रैंकलिन, सिल्वेस्टर रिटर, जेम्स हैरिस या जॉर्ज ग्रे। सी आंसर ऑप्शन बी सिल्वेस्टर रिटर। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू ब्लास्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो उस देश का नाम बताना है जिसने अपनी जो ये उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है एरो टू, इस ब्लास्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्टर है इसका सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन हमारे इराक, ईरान, इजराइल या चीन। सही आंसर ऑप्शन सी इजराइल के द्वारा जाए इस ब्लास्टिक जो मिसाइल है इंटरसेप्टर इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मोरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये जो मोरिटानिया जो देश है इसका जो नया ये प्रधानमंत्री है किन्हें नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हमारे मोहम्मद औलद बिलाल, प्रवीण जुगनाथ, ब्रिगेडियर रफीनी या साद एडिन एल ओथमानी। सही आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद औलद बिलाल को जो है मोरिटानिया का जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो शुरू में म है म, इसी तरह इसमें जो है म मोहम्मद, तो इस तरह से जो है आप वर्ड को जो है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो इस्तेमाल के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो किसके द्वारा जो है कोरोना वायरस दवाई का जो है रजिस्टर कर दिया गया है, ऑप्शन है जापान, चीन, रूस या न्यूजीलैंड। सी आंसर ऑप्शन सी। तो हाल ही में जो ये रूस देश है इसने जो कोरोना नाम से जो वैक्सीन बनाई है इसका जो सफल जो रजिस्ट्रेशन है ये करा लिया है और इसका जो ट्रायल है ये भी सफल रहा है और इसका जो ये ट्रायल है इन्होंने जो अपनी बेटी के ऊपर किया है जो सफल रहा है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम तो ये जो पेरू का नए प्रधानमंत्री बना है। तो पेरू के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऑप्शन है जिनिन एने सावेज, वाल्टर रोजर मार्टोस रईज, माइक पेंस या लेनिन मोरेनो। सही आंसर ऑप्शन बी वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस जो है ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताना है जो हवाई अड्डे पर कतार लगने से जो यात्रियों को बचाने के लिए अनिवार्य सब घोषणा पत्र ऑनलाइन भरने की अनुमति दे सकेगा, ऑप्शन हमारे एयरक्यू, एयरक्योर, एयर सुविधा या एयर श्योर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी एयर सुविधा के नाम से जाइए पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट है, बेलारूस की राजधानी। तो बेलारूस की जो राजधानी है कौन सी है, ऑप्शन है कीव, मिन्स्क, विल्नियस या च्यून आउ। तो ये है मिन्स्क, राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है मनीष प्रभात, इनको किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त है सचिव मनीष प्रभात, तो कहाँ पर जो है इनको राजदूत बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, रूस, जापान या इराक। राइट आंसर है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान के जो है इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि उज्बेकिस्तान में जो भारत के ये जो राजदूत है इनका जो नाम आपको बताना है।
तो इनका नाम है मनीष प्रभात। नेक्स्ट है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण जो हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है हमारे सुनील जोशी, चेतन चौहान, आविष्कार सालवी या अरुण लाल। तो ये थे चेतन चौहान, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो हाल ही में जो ये पूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान, इनका जो कोरोना की जो बीमारी है इसके कारण इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 666F-16 जो जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ ये जो हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या अमेरिका। तो ये हुए हैं अमेरिका के साथ, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो ताइवान ने जो हाल ही में अमेरिका देश के साथ नवीनतम 66F-16 से जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो स्टेट है इसने असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेताओं को सम्मानित किया है? तो कैलिफोर्निया की ये जो स्टेट असेंबली है इसने हाल ही में जो कौन बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका जो निधन हो गया था उन्हें सम्मानित किया है। ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर या कादर खान। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, सुशांत सिंह राजपूत को जो है इन्होंने सम्मानित किया है, तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो ये जो भारतीय रेलवे है इसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? ऑप्शन हमारे 10, 5, 6 या 4। तो ये किए गए हैं 6, राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 राज्यों में जो इसका रोजगार का सृजन किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों जो है एक हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या सुरेश रैना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो है लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जो है क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा हो सके लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।